आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन के पहले मालिक, मतलब जब यहां कोई नहीं था, जंगल था, तब भी आदिवासी यहां हिंदुस्तान के मालिक थे, बराबर थे। अब इस शब्द का मतलब क्या है कि अगर आदिवासी हिंदुस्तान के मालिक, सबसे पहले मालिक थे, तो हिंदुस्तान में आदिवासियों को भागीदारी मिलनी चाहिए, उनकी जमीन, उनका जल, उनका जंगल उनको मिलना चाहिए। इसका यह मतलब, शब्द का यह मतलब, जब मैं आपको आदिवासी कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये जो देश है, इसकी जमीन पहले आपकी हुआ करती थी और इस जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार आपका है। इस शब्द का यह मतलब है। वनवासी का क्या मतलब है? वनवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं उनके कोई हक होते हैं? जो वनवासी हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहती, आपको आदिवासी नहीं कहती, सही? उनके भाषण देखो, वो सब कहीं कहते हैं वनवासी। ये उन्होंने आपका नाम क्यों बदला? क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आपको ये वनवासी कहें और आस्ते 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 हिंदुस्तान में वन खत्म हो जाए, और फिर जब वन खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो मगर जंगल तो है नहीं, तो जंगल गया, पानी गया, जल गया, आप तो कहीं के नहीं रहे। तो ये फर्क है सोच में।